बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम लाहौर हाई कोर्ट जो ऑफिस कोऑर्डिनेट बीएसपिन 14 के लिए जो पेपर हुए उसको डिस्कस करेंगे है, जो कि आज हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द राइट एंटोनिम्स फॉर डिस्पाइज। तो डिस्पाइज का जो मुतरादिफ है वो क्या है? तो डिस्पाइज का मुतरादिफ ऑप्शन नंबर ए स्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी एपीएस, ऑप्शन नंबर सी डेकोरेट, ऑप्शन नंबर डी हलो। तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो स्पोर्ट, ठीक है। इसका मुतरादिफ जो है वो सपोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द राइट एंटोनिम्स फॉर प्रीकेरियस। तो इसका प्रीकेरियस का जो एंटोनिम्स है तो वो ऑप्शन नंबर ए स्टेबल, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर सी शेक है। तो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द राइट एंटोनिम्स फॉर रैम्पेंट, ठीक है। तो रैम्पेंट का जो करेक्ट जो आंसर इसमें लगता था क्वेश्चन नंबर 3 में, वो इसमें कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर ए साइलेंस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अनचेक, ऑप्शन नंबर सी कन्फाइड, ऑप्शन नंबर डी एक्सलेंडेड। आंसर है वो इसके कन्फाइंड, ऑप्शन नंबर सी कन्फाइंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द राइट एंटोनिम्स फॉर क्लेमोर। क्लेमोर का जो मुतरादिफ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज साइलेंस, ऑप्शन नंबर बी इज स्क्रीम, ऑप्शन नंबर सी प्लंडर्ड, ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए साइलेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द राइट एंटोनिम्स फॉर एक्सपिरेटिंग। एक्सपिरेटिंग, ठीक है। एक्सपिरेटिंग का जो राइट एंटोनिम्स है वो क्या है? तो राइट इसका जो एंटोनिम्स है, वैक्सिंग भी नहीं है, इरिलेशन भी नहीं है, कन्फ्यूजिंग भी नहीं है, बल्कि ये प्लीजिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्लीजिंग इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द राइट एंटोनिम्स फॉर स्लाइड। तो स्लाइड का जो राइट एंटोनिम्स है वो क्या है? तो कम्युनिकेशन भी नहीं है, एस्केलेशन भी नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी ऑनर इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 स्लाइड, ठीक है। स्लाइड के जो मुतरादिफ ऑनर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर डिसलेटरी। डिसलेटरी का जो राइट सिनोनिम है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो डिसलेटरी का राइट सिनोनिम्स है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेरन। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर अनकेनी। तो इसका जो राइट सिनोनिम्स है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका स्ट्रेंज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंज। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर टॉयल। तो टॉयल का सिनोनिम्स क्या है? टॉयल का सिनोनिम कहा जाता है चैरिटी लेबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर वर्थ। वर्थ के लिए जो राइट सिनोनिम्स है वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी रेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रेंज इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द राइट सिनोनिम ऑफ इंटीजीनियस। एंडीजीनियस, ठीक है। एंडीजीनियस का जो राइट सिनोनिम्स है वो क्या है? तो वो लोकल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जी, चूज द राइट सिनोनिम्स फॉर थ्रोन। तो जो थ्रोन का जो राइट सिनोनिम्स है वो है पैकेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्सल वर्ब, ठीक है। फर्सल वर्ब जो है यानी कॉल ऑफ का मीनिंग क्या है? तो इसका जो मीनिंग है वो टू कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो अप। तो ब्लो अप के मीनिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसके जो मीनिंग है टू एक्सप्लोर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब कम बाय। तो कम बाय का क्या मतलब है, ठीक है। जो
तो इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द कम्प्लीटली पंक्चुएटेड। इट्स मीन डू यू नो वेयर द ऑफिसर मिस इज, ठीक है, मिस इज इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम नॉट ट्राइड सेड आसिफ बट आई एम वेरी हंग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो इसमें जो कौन से लफ्ज कम्प्लीटली जिसको पंक्चुएटेड किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ यू नीड माई हेल्प सेड ही, यू आर वेलकम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सबा इंट्रोड्यूस माई टू मी, सॉरी मी है, ठीक है, सबा इंट्रोड्यूस मी टू हर हस्बैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर लगेगा, टू हर हस्बैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पैसिव वॉइस ऑफ ही बीट्स द बिगर इज। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो करेक्ट पैसिव वॉइस इसका कौन सा है, द बिगर इज बीटन बाई हेम, द बिगर इज बींग बीटन बाई हेम, द बिगर इज बीन बीटिंग बाई हेम। जो करेक्ट आंसर है द बिगर वॉज बीटिंग बाई हेम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द बिगर वॉज बीटन बाई हेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द पैसिव वॉइस ऑफ द मैजिशियन अम्यूज द ऑडियंस इज। इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा, द मैजिशियन अम्यूज द ऑडियंस, ठीक है, द ऑडियंस आर अम्यूज बाई द मैजिशियन, द ऑडियंस इज अम्यूज बाई द मैजिशियन, द ऑडियंस वर अम्यूज बाई द मैजिशियन, द ऑडियंस वॉज अम्यूज बाई द मैजिशियन। तो जो करेक्ट पैसिव वॉइस इसकी होगी तो ऑप्शन नंबर डी, द ऑडियंस वॉज अम्यूज बाई मैजिशियन, मैजिशियन से जो है ऑडियंस को अम्यूज किया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 22, द पैसिव वॉइस ऑफ हु स्टोल योर बुक, हु स्टोल योर बुक। तो इसका जो बेस्ट जो राइट इसका पैसिव वॉइस था, By whom was your book stole? Your book was stole by your whom? उसका जो correct passive voice था वो option number A, ठीक है, By whom was your book stole? उसके बाद next question है जी, question number 23. He was cured typhoid. तो from typhoid, ऑफ टाइफाइड, अपॉन टाइफाइड, विद टाइफाइड। तो मैं लगेगा ऑफ टाइफाइड, ठीक है, ही वॉज क्योर्ड ऑफ टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लगेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ही पोर्ड, ठीक है, सॉरी, ही पोर्ड सम टी इन टू द मग, ठीक है, इन टू उसमें है ऑप्शन ए, इन ऑन एट इन टू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ही पोर्ड सम टी into the mug. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आई विल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। इट इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस, नन ऑफ दीज। आई विल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कॉवर्डली, फ्रेंडली एंड मिजरली और इन ग्रामर, ए प्रोनाउंस, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब, डी कॉमन नाउन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इफ ही हैड प्लेड वेल ही वुड हैव वन द कंपटीशन। इट इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 27,
इसमें सिंपल सेंटेंस भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, बल्कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कम्प्लेक्स सेंटेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इफ शी हैड टेकन सम प्रीएक्चुअरी मेजर इज ए, इसमें क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, पार्टिसिपल फ्रेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी जो ये टफ किस्म का पेपर था आप लोगों का, खासकर जो ये इंग्लिश वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 29। स्विमिंग इज अ डेंजरस एक्टिविटी, व्हाट इज स्विमिंग हेयर। यहाँ पर जो स्विमिंग है वो क्या है। ठीक है, स्विमिंग यहाँ पर जो जेरेंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो करेक्ट आंसर जो है ये जेरेंड है यहाँ पर। ठीक है, जेरेंड कहा जाता है उसको। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट वी रिज्यूम आवर जर्नी। तो कुछ आराम के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा जारी किया। तो आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, यहाँ पर ये एक जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से देखें, वी रीयूज आवर जर्नी, तो हमने अपना दोबारा सफ़र अपना शुरू किया। तो ये दोनों अलग अलग, बल्कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, डिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट वी रिज्यूम और जनरी, तो ये फर्स्ट जो है सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सम पीपल वर लाइंग ऑन द ग्रास, ऑप्शन बी, सम पीपल वर लाइंग ऑन द ग्रास, सम पीपल वर लाइंग ऑन द ग्रास में वर वर सम पीपल्स वर लाइंग, अच्छा ये लाइंग आगे पीछे लिखा हुआ। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाइंग जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सम पीपल वर लाइंग इन द ग्रास। क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा जो है करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। आवर पेंटिंग आर मोर ब्यूटीफुल देन देयर, आवर पेंटिंग आर मच ब्यूटीफुल देन देयर, Our painting are more beautiful than their. Our painting are more beautiful than theirs. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 33। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच, द फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच, फ्रेंच स्पीक द फ्रेंच। तो द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। After that, next question is question number 34. Choose the correct answer. You had better apply for ball. Sorry, bell. ठीक है, B I L, bell. You had better applied for ball. उसके बाद next third है, you had better apply for ball. You had never better apply for ball. तो option number A is the correct answer. You had better apply for ball. So sorry for bell. 35 की तरफ आ जाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, दिस इज मोस्ट यूनिक ज्यूल्स, दिस इज मोस्ट यूनिक ज्यूल्स, दिस इज यूनिक ज्यूल्स, दिस इज मोस्ट यूनिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आ जाते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड लाइक रॉयस, Neither he nor his friend like the Royce. Neither he nor his friend like the Royce. Neither he nor his. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसका जो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, नॉट ओनली रजा बट आल्सो हिज ब्रदर अवॉइड स्मोकिंग, Not only Reza also but is, तो इसका जो correct answer है option number D is the correct answer. Not only Reza but also his brother avoids smoking. Next question number 38. Choose the correct sentence. तो इसमें correct sentence कौन सा है? The K2 is highest peak in Pakistan. K2 is the highest peak in Pakistan.
K2 इज़ हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मनी मेक द मार्गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आई एम आस्किंग इज करेक्टली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस इज हेयर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द डेड इज सून फॉरगेटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन मुहर्रम 10 मुहर्रम उल आराम। तो ये मुझे कंफर्म नहीं है 100%, बट आई एम आस्किंग एज इन अकॉर्डिंग टू मी 61 हिजरी। ओके, तो आप लोगों ने इसको खुद भी कंफर्म कर लेना है, तो ये इसका मुझे 100% करेक्ट मैं नहीं कह सकता कि यही है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ से इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, ये पार्ट 3 में आता है, द बैटल ऑफ तबूक वॉज फॉइट इन। तो ग़ज़वे तबूक जो कब लड़ी गई, तो ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी को लड़ी गई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 हिजरी। तो उसके बाद नेक्स्ट इस्लामियात का पार्ट है, तो आई थिंक उसको जो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह इस्लामियात का, और आप लोगों को जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए हैं तो इंशाल्लाह उनको एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द अज जल्द मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।